तो आज हम बात करने जा रहे हैं पांच ऐसे TWS के बारे में जो 2000 के अंदर आते हैं। तो बिना ज्यादा देरी किए चलते हैं अपनी लिस्ट की तरफ। पांचवें नंबर पर है बोल्ट एयरबेस प्रोपॉट्स। इसमें 9 mm के ड्राइवर मिलते हैं। ये ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी के साथ आता है। इसमें IPS5 का सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। फुल चार्ज होने पर 24 घंटे का बैटरी बैकअप देता है केस के साथ, और विदाउट केस 5 से 6 घंटे का। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन ऑडियो क्वालिटी डिसेंट है। बेस अच्छा है लेकिन ट्रबल डिसेंट है। इसके वोकल्स काफी क्लियर है। इसके साथ आप हाई लेवल की गेमिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी लेटेंसी देखने को मिलती है। ओवरऑल अगर आप एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी का TWS चाहते हैं जिससे आप नॉर्मल कॉल्स और जूम मीटिंग कर पाए, तो आप ये ले सकते हैं। इसकी प्राइस 1699 रुपीज है। 14 नंबर पे है बोल्ट पावर बर्ड्स। इसमें 9 mm का ड्राइवर है। ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। इसमें IPX5 का सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। इसको फुल चार्ज करने पर ये 13 घंटे का बैटरी बैकअप देता है केस के साथ, और विदाउट केस 5 से 6 घंटे का। इसकी डिजाइन अच्छी है लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है। इसका साउंड बहुत अच्छा है, ट्रबल्स और बेस काफी बैलेंस है, कॉल परफॉर्मेंस भी काफी डिसेंट है। ये गेमिंग के लिए काफी अच्छी, ओवरऑल ये अच्छी डिजाइन और गुड साउंड क्वालिटी के साथ आता है। इसकी प्राइस 1799 रुपीज है। 3rd नंबर पे है बोट 281 प्रो। इसमें 6 mm के ड्राइवर आते हैं। इसमें ब्लूटूथ 5.1 की कनेक्टिविटी आती है। ये IPS5 सर्टिफिकेशन के साथ आता है। इसको फुल चार्ज करने पर 24 घंटे का बैटरी बैकअप देता है विद केस, और विदाउट केस ये अप्रॉक्स 6 घंटे तक चलता है। इसमें ASAP टेक्नोलॉजी है जिसमें 5 मिनट चार्ज करने पर आपको 60 मिनट का प्लेबैक टाइम मिलता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, और 6 mm के छोटे ड्राइवर होने के बावजूद भी इसका बेस बहुत अच्छा और बैलेंस है। ये गेमिंग के लिए काफी अच्छा है क्योंकि इसमें स्टीरियो सेपरेशन बहुत अच्छा है, इसमें लेटेंसी बहुत कम देखने को मिलती है, और इसमें नॉइस कैंसिलेशन का भी फीचर है। ओवरऑल ये एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी का TWS है जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और आप इसे गेमिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी प्राइस 2000 रुपीज है। 2nd नंबर पर है ट्रूक बर्ड S1। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10 mm के ड्राइवर्स आते हैं। इसमें ब्लूटूथ 5.1 की कनेक्टिविटी मिलती है। ये IPS4 की सर्टिफिकेशन साथ आता है, और इसे कंप्लीट चार्ज करने पे ये 30 to 36 आवर का बैटरी बैकअप देता है विद केस, और विदाउट केस ये 6 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप देता है। इसका डिजाइन भी अच्छा है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, और इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसका ट्रबल बहुत अच्छा है, ऑडियो सप्रेशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें बेस ज्यादा अच्छा नहीं है। कॉलिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी है, इसमें बहुत कम लेटेंसी देखने को मिलती है, और ये गेमिंग के लिए भी काफी अच्छा है। ये एक ऑलराउंडर TWS है जिसकी प्राइस 1799 रुपीज है। 1st नंबर पर है ओको एंको बर्ड्स। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 8 mm के ड्राइवर आते हैं। इसमें ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी मिलती है। इसमें IP54 का सर्टिफिकेट देखने को मिलता है। इसको फुल चार्ज करने पे ये 1 दिन का बैटरी बैकअप देता है विद केस, और विदाउट केस ये 6 घंटे का बैटरी बैकअप देता है। इसकी डिजाइन काफी प्रीमियम है, और बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छा है। इसकी साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी है, ट्रबल और बेस काफी बैलेंस है, वोकल्स भी काफी अच्छे हैं, और गेमिंग के लिए गेमिंग मोड भी आता है जिसमें साउंड क्वालिटी और भी इम्प्रूव हो जाती है। अगर आपके पास ओप्पो का फोन है तो आप इस TWS को ले सकते हैं क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसकी प्राइस 1970 रुपीज है।